क्या हुआ? पापा आपका कोई खानदानी दुश्मन तो नहीं है? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देखो मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आजकल, मैं ये ड्रेस पहन के सोती हूँ रात को। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने, पापा ने बोला कि स्कूटी से जा, मैंने कहा नहीं थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, पैदल जाती हूँ। गुड मॉर्निंग हैंडसम, गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग, धूप सेक रहे हो? ये देखो दुकान तक पहुँच गया, जब मैं दूध लेने आई थी और यहीं तक आ गए। टीटू तो इसलिए आया ना यहाँ पे, इसलिए आया था यहाँ पे। चल ये बदतमीज़, पानी में जाने के लिए, नाली में घुसने के लिए आए। चल जल्दी चल, नाली वाली में घुस के पूरा एंजॉयमेंट लेके आ रही थी। टू इसका दोस्त मिल गया इसको। क्या कर रहे हो? ये लो कॉफी। किसके लिए? ले। सही में? थैंक यू कॉफी तो बहुत टेस्टी लग रही है। टीटू वेरी गुड, तुम मेरी सेफ्टी के लिए आए तो तुम्हारे लिए मेरे पास गिफ्ट है, ये लो खाओ बेबी, कल भी आना ठीक है? पापा आपको पता है टीटू आज मेरे साथ आया था दुकान तक। हाँ बेटा, वो तेरे साथ डेली आएगा ठीक है। और दूसरा अच्छा डॉगी कहाँ है वो देखो। ये देखो दूसरे अच्छे डॉगी को। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है? हाँ। मैं देख रही हूँ ये शी वाज प्रिटी अमेज़न मिनी टीवी पे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आज देख तू भी। मस्त स्टोरी है इसकी, अब देखते हैं बड़े होके पता नहीं किसको चुनती है। बचपन में तो बहुत रेडी होती है। बाहर आ, कैमरा बंद कर। कैमरा बंद है? मैं अच्छे रहूं। कोई बात नहीं देख ले। बंद है कह रहा हूँ बेवकूफ। ये देख दोनों हाथ से देख के, ये देख जल्दी आया, लेट हो रहा कह रहा हूँ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं शादी में, मैं रेडी हो चुका हूँ, हर्षो हो चुका है और मेघा भी रेडी हो ही रही है। क्या हो गया मेघा? आज इसको साड़ी ही नहीं पहनने आ रही है। मेरे को साड़ी पहनने आती ही नहीं। नजर वजर तो नहीं लग गया आज तुम्हें कहीं? और मैं मुंह धो के आई तो मुंह में वो लग गए टॉवल के रेशे। क्यों लगे मेरे को बताया? क्यों लगे? अभी आपने व्लॉग देखा होगा एक, जिसमें मैंने ना एक टॉवल खरीदा था, एक नहीं दो खरीदे थे, मिस्टर एंड मिसेस वाला। अब क्यों लगे हैं ये देखो, इसने मेरा टॉवल यूज कर लिया है और अभी तक ये नया है एकदम। इसने कैसे मिसेस लिखा हुआ है ये देखो मिस्टर। तो आप क्या कहने चाह रहे हो? आपकी नजर लगी है मुझे। नहीं, इसलिए तुम्हारा टॉवल ने बदला ले रहा, ये बदला है। यहाँ पे लग रखी है लिपस्टिक, ये सबूत है कि यूज हुआ है। कितना बड़ा दुख, मैं धो दूंगी मिसेस वाला यूज करना। क्यों यूज करूंगा मिसेस वाला, मैंने मिस्टर वाला लिया था। ये देखो मिस्टर लिखा हुआ है साफ साफ। तुमने मेरा यूज क्यों किया ये बताओ, क्यों उसके जब मैं दो लेकर आया? मुझे नहीं पता था बेबी, आई एम सॉरी, मैं नया ले दूंगी। इसमें कुछ नाक वाक तो नहीं पूछी ना? नहीं, क्यों पूछूंगी ना। गाइस हमने ली थी टीवी जो कि यहाँ पर रखी हुई है, जो मैंने मेघा को गिफ्ट दी थी, और उसके बाद अभी यहाँ पर ना पूरा कबोर्ड जैसा बन रहा है। अब कल हम गुड़गांव जा रहे हैं तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा कि ये बनेगा कैसा। तो अभी देखो, अभी तो ऐसा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा, भैया कह रहे शाम तक हो जाएगा चेंज। जेरी बाय। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए, और रीजन क्या है बताइए? 2 बजने का कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आई। साड़ी पहननी नहीं आई तो कुछ और पहन लेते हम, कोई पुराने। क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ ना, तो मुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। मैं कैसा लग रहा हूँ ये बताओ? हैंडसम और डैशिंग, गुड लुकिंग। तो नहीं कहोगे ना मेरे को पेट कम करने की जरूरत है? कहूंगी। क्यों? अभी भी जरूरत है। 1.5 घंटे तो मैंने साड़ी पहनने में लगाया, उसके बाद मैंने जो फेस वॉश किया ना, तो टॉवल से पूरे उसके रुई के जो रेशे होते हैं वो मेरे फेस पे लग गए। मेरे जो रैशेस हुए, मैं पिछले रैशेस नहीं हुए आपके, 3 घंटे से रैशेस है, कुछ भी बोलते रहते हैं। 3 घंटे मैं बोल रही हूँ रेशे लग गए, रुई के रेशे लग गए। वो तो इसलिए लगे क्योंकि तुमने मेरा हैंगी यूज कर लिया। मुझसे बोल रहे थे किसी की नजर लग गई, मुझे लगता है इन्हीं की नजर लगी है मुझे। नजर लगी है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हैंकी गलती से यूज कर लिया। गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के प्री प्लान्ड था ये। बेबी अलमारी में सेम कलर की 2 टॉवल रखे होंगे, तो आज रात को किसी को मुंह धो के मुंह साफ करना है, तो कैसे पता चलेगा कि यार एक मिस्टर है या मिसेस है? मेरे मन में एक कहावत आ रही है इसको लेके, मोहब्बत के सिवा और भी गम है जमाने में। गलती मुझसे भी हो सकती थी, मुझसे क्यों नहीं हुई? रात को मेरे को भी मुंह धोना पड़ता, क्योंकि तुम मुंह धोते ही नहीं हो। क्योंकि तुम मुंह ही नहीं धोते हो तो तुम्हें टॉवल की जरूरत कहाँ से मिली पड़ेगी। गाइस अभी हम जस्ट पहुँचे हैं और ये देखो बारात भी पहुँच गई है। हाँ बारात के साथ ही है, चलो हम लेट हो चुके हैं। लेट शादी की बात, पहली शादी अटेंड कर रही हूँ मैं तो आज, पहली बार खाना खाऊंगा शादी का, कितने दिनों बाद दूसरों की शादी की पनीर तोड़ी है। तो हम सीधे उतर चुके हैं खाने के मैदान में, चलो टूटो खाओ जितना खाना। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शादी से और यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है ना, तो पार्किंग में ही अभी फंसे हुए हैं। तुम क्या देख रहे हो? चलो एक मिनट देखने दो। क्यों क्या देख रहे हो दिखाओ? मैं देख रही हूँ शी वाज प्रिटी
अब आप लोग सोचोगे ये क्या है? क्या है ये? Amazon Mini TV का एक शो है जो हिंदी में डब्ड है। इसमें एक लड़की बचपन में बहुत ज्यादा प्रिटी होती है, बट बड़े होने के बाद वो सेम नहीं दिखती। पर क्यों? अब देखना है कि उसको कोई राजकुमार पसंद करता है या नहीं। ये मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये फ्री में तो देख सकता हूँ ना? अरे बाबा, ये शो बिल्कुल फ्री है। प्ले स्टोर से Amazon Mini TV ऐप डाउनलोड करो और देखो, यहाँ पे आपको ओपन करते ही मिलेगा एक सेक्शन इम्पोर्टेड, जहाँ आप डाइन विद लव, फॉर्म मी, यू आई एम टेम्प्टेड जैसे बहुत सारे शोज देख सकते हो। और इसमें हर वीक नए नए शोज आते हैं। कुछ शोज तो ऐसे हैं जो तेलुगु और तमिल में भी डब्ड है। तो है ना मजे की बात, आप भी देखो फ्री में मस्त मस्त शोज। और हम चल रहे हैं अब। यार मैं यही सोच रहा हूँ कि वो बड़े होके कैसे दिखती होगी सी वॉज प्रिटी में। यार मैंने भी अभी कुछ ही एपिसोड देखे हैं, तो देख के पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगी। अरे तो आजा, देखते हैं ना Amazon Mini TV में। फिलहाल देखिए पार्किंग में कितनी दिक्कत आ रही है, देख छोटी सी रोड है। और ये देखिए 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 देखिए, पीछे पीछे को ले जा रहे हो क्या? पीछे ले जाऊंगा, आगे तो मोड़ने की जगह ही नहीं है। बेबी अभी भी मेरी शादी हुई है, प्लीज गाड़ी ठोकना मत। मैं 5-10-12 सालों में शादी करे हुए, मेरी भी अभी हुई है। वहाँ देखो हमारे एंटर होते ही जयरो वेलकम करने के लिए। हाँ उसको भगा रहा हूँ, उसी के जैसा डुप्लीकेट है इसलिए। जयरी खुश हो रहा हूँ। YouTube क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? अच्छे से बैठो, अभी सब आ रहे मिलने की। रात हो गई है, तुम्हें ठंडा नहीं लग रहा है? जाओ चेंज कर दो। YouTube तू क्या कर रहा है? मुझसे मिलना है, मुझसे मिलना है। जो चेंज कर लीजिए, ठंडा लग रहा होगा, चेंज कर ले। ये देखिए, ये मिलने तो आता है ना, लेकिन ये देख पूरा गंदा कर दिया। ये सब गंदा कर दिया, गंदा गंदे गंदे कोई इंजेक्शन लगा है। क्यों? फॉर्म में पता नहीं क्या वर्क है, इंजेक्शन हो रहा है। ये देखिए क्या फॉर्म में वर्क है, ना नाली वाली में चला जाता है। आज सुबह नाली में तो गया था। ये वाला जेरी, इसके पहले से वर्क है, 3-4 दिन हो गए इसको। चेंज कर ले कपड़े। हाँ मैं चेंज कर लेती हूँ, बार बार चेंज करने का बोल रहा हूँ, ऐसी अच्छी नहीं लग रही। क्या तुम्हें? मैं इतना लग रही है, लेकिन ठंडा भी तो हो जाएगा। कल गुड़गांव जाना है, थोड़ा तैयारी करो, सुबह जल्दी निकलना है। ठंडा तो मुझे पहले से हो रखा है, मुझे जुकाम हो रखा है। इसके अंदर कुछ जा, मेरा मोबाइल के ऊपर बैठ गया। आपका मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मेरा मोबाइल है। तो बात तो एक ही हुई, फूटेगा तो खर्चा तो होगा ही घर का। अच्छा ठीक हो जाएगा। कब से मूंगफली ढूंढ रही, सारे चिक्कर भर रखे ये। कुछ है ये सब इनके काम है, ये सब सोनू जी के काम है। ढूंढ मैं सुबह फेंकने वाला था इसको, मैंने रोक लिया। और चिकन देख रही हो तो चिकन बंद है, उसमें कोल्ड ड्रिंक तो कुछ भी नहीं, कुकर निकल रहा। नहीं खाओगे बताओ, मैं अभी ले आता हूँ। खाएंगे इसमें, डाल लेंगे खाएंगे। अरे मैं किसने, मैं सुबह फेंकने वाला था इसमें, अभी डाले थे, मैंने रोक दिया। मैंने कहा इसमें है, वो दोनों खाएंगे मम्मी और सोनू। एक बार दिन में देख रही, फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा अरे यार इसमें तो सारे चिकन करके कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैं ले आता हूँ नया। मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ मैं। और बताओ तुम्हारे कोई दुश्मन उश्मन है तो मम्मी बताओगी, क्योंकि मैं एनिमल मूवी देख कर आऊँ ना। या स्कूल में कोई दुश्मन, तुम्हारे स्कूल में किसी ने पेंसिल चोरी हो? मेरे किसी ने नहीं चोरी है, मैं तो हूँ नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाली। वाह चलो मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और कुछ लाना है? अभी मम्मी की ला चुकी है गर्मा गर्म मूंगफली। पता है क्या है गाइस, हमारे घर में ना सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही मूंगफली खाते हैं। बीच बीच में मैं कॉफी भी पीने लग गया था, क्योंकि थोड़ा बीपी की दिक्कत हो गई थी ना, बीपी मेरा लो हो गया था, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि कॉफी पियो, तो अब तो कॉफी की भी आदत हो गई है। और पता है क्या, सुबह से मैं यही ड्रेस में हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो रूम की चाबी है ना वो इसी के अंदर छोड़ गई थी। ये देखो अभी मुझसे मिलने कौन आएगा, ये मैंने करी गाड़ी बंद। और ये देखो YouTube तो मुझसे मिलने आया मेरे दोस्त। चलो उतरो। ये लो मम्मी कहाँ से भटक के लेके आया, मम्मी की डिमांड भी तो थी बड़ी वाली मूंगफली। क्या हुआ? अरे ये प्याज काट रही है। I am cutting onions. एक ही हुआ ना, कमेंट्स करते जैसे लोग इमोशनल हो जाते तो कमेंट्स में लिखते हैं I was cutting onions. ऐसे बोलते प्याज कौन काट रहा है, मैं तो रोई नहीं, मेरा आंसू निकल रहे। पिता मैं खुश हो रहा था कि कल मैं गुड़गांव जाने वाला हूँ, यहाँ घर आते ही मैं तो खुशी खुशी लेकर आ रहा हूँ, ये इन लोगों के लिए ये बनाऊंगा, कॉफी बनाऊंगा करके, यहाँ आते ही पता चल रहा है कल गुड़गांव नहीं जाना है। अभी सिर्फ वर्बल कंफर्मेशन है, जैसे ही हमारा मेल पे कंफर्मेशन आएगा हमारे वर्क का तब हम जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो हमारा टीवी के लिए सेटअप बन रहा था वो इनकम्प्लीट है, इसको कम्प्लीट होने में सिर्फ एक दिन चाहिए। तो दो दिन से हम लोग बाहर सो रहे हैं, आज भी हमको बाहर ही सोना है, बिकॉज इस कमरे में ना बहुत ज्यादा धूल हो रही है। ये देखो बिल्कुल सोने का मन नहीं कर रहा है, पहले इसकी अच्छे से सफाई करवाएंगे उसके बाद ही यहाँ पे सोएंगे। बस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी प्यारी सी टीवी यहाँ पे लग जाए। अभी वो टीवी ऐसे पड़ी हुई है यार, मुझे ये तो दुख हो रहा है, ये टीवी है ना, बहुत बुरा लग रहा है उसको ऐसे देखकर, सच में दिल दुखी हो रहा है। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लेके आया था।
बेबू मेरी टीवी कैसे लगेगी, कब लगेगी वहाँ पे? मैं लगा सकता हूँ उसको, तुम्हारा अगर मन है तो मैं। गंदी तो नहीं होगी ना? देखो कितनी धूल लग गई उसमें साइड में, देखो यार वो हो। मैंने अपनी खुद की चुनरी इसके ऊपर रखी हुई है सूट की, इसलिए मैं इसको ढक के रख रही हूँ। आप कह रहे थे कि इसको इसके ऊपर बैठ जाएगा, क्यों बैठेगा? अरे वो दिख नहीं रहा है ना, तुम इसके ऊपर नहीं, उसमें पता नहीं चल रहा है, ये पूरा चादर से मैच जा रहा है। इतना दिखाने दो यार। ठीक है। और ये कब खुल जा रहा है? ये पता नहीं कब खुलेगी, कब खोलोगे इसको? इसको अब खुलने ही वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब अगर कल नहीं खुला, कल अगर नहीं खुला तो मैं खुद खोल दूंगा। कल पक्का खुल जाएगा। और दूसरी चीज, फिर कल रूम भी साफ करना है यार, बहुत बड़ा रूम है, सब एक चीज साफ करनी है, पूरे बेड में भी धूल धक्कड़ लग गई होगी। ओ गॉड। और सोफे के कवर लाने, बहुत सारा काम करना है। कल के सारे कामों को ना नोट्स में लिखना होगा, नोट्स में लिख के जल्दी याद रहता है। और आप भी मत भूलना शी वॉज प्रिटी देखना अमेजन मिनी टीवी पर। अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, गुड नाइट।